गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मैडम जी? क्या बताओ डॉक्टर साहब, वही पुराना वाला दर्द शुरू हो गया। आपको तो पता ही है, आपकी दवाई से मैं जल्दी ठीक हो जाती हूँ, किसी की दवा असर ही नहीं करती है। अच्छा, यहाँ थोड़ा ऊपर, यहाँ थोड़ा और ऊपर। ए दामिनी, इतना टाइम लगता है क्या रेडी होने में? अरे औरत तू, टाइम तो लगेगा ना, सुबह उठो, नहाओ धो, साड़ी पहनो, टाइम नहीं लगेगा। फिर भी यार साड़ी तो पहनना है, नहा दोगे और क्या करना तुमको, थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया बस हो गया। हाँ तो मेकअप करने में टाइम नहीं लगता है इतना? आप कौन सा जल्दी कर रहे हो? हाँ आपको भी तो शर्ट पहननी पहनना था, वो भी आपने 2 घंटे लगा दिए और मुझे चिल्लाए जा रहे हो जल्दी करो जल्दी करो। फिर भी अभी ना तुम्हारे पास और भी काम होगा, बाकी तुम्हारे से पहले रेडी हो जाऊंगा मैं। हाँ ये सब कहने की बात है, थैंक यू। तुम्हारे लिए तो जीत से बहुत हारी घड़ी हुई है। ये देखो हो गया, अब लग गई है ना धर्म पत्नी, तेरे भारतीय नारी। और ज्यादा ना सजा सबरो मत, ठीक है? ऑफिस में सब लाइन मार देते तुमको, मालूम है ना तुमको, बहुत बुरा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि सब मुझे ही देख के। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ? आओ बैठो बैठो बैठो, क्या हुआ? वही पहले वाला दर्द शुरू हो गया। कितनी बार बोला है तुमको खाने पीने का ध्यान रखा करो, कुछ भी खाती हो। चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं एक काम कीजिए, आप ऑफिस चले जाइए, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ऑफिस बाद में देखा जाएगा, मैं छुट्टी ले लूंगा, चलो ऑफिस। नहीं आपको बॉस डांटेंगे। नहीं आप चले जाइए। अरे नहीं डांटेगा, चलो डॉक्टर के पास चलते पहले। एक काम कीजिए आप चले जाइए, मैं अपने फैमिली डॉक्टर को बुला लेती हूँ। लेकिन तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊँ मैं इस हालत में? मैं बोल रही हूँ ना, चले जाइए। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें आराम मिलेगा तो मुझे एक बार कॉल करना, ठीक है? ठीक है, टेक केयर। हेलो डॉक्टर साहब, फिर से वही पुराना वाला दर्द शुरू हो गया मुझे, आप जल्दी से आ जाइए ना, आपको तो पता ही है कि हद से मैं ठीक हो जाती हूँ, आपकी लिखी हुई दवा मुझे असर करती है, बाकी किसी की दवाई असर नहीं करती है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत तड़प रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना आप? मैं वेट कर रही हूँ आपका। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ मैडम जी? क्या बताओ डॉक्टर साहब, वही पुराना वाला दर्द शुरू हो गया। आपको तो पता ही है, आपकी दवाई से मैं जल्दी ठीक हो जाती हूँ, किसी की दवा असर ही नहीं करती है। अच्छा जी ठीक है, यहाँ थोड़ा ऊपर, यहाँ थोड़ा और ऊपर। डॉक्टर साहब बोलो ना, कितना पापड़ बेलना पड़ता है आपको बुझाने के लिए?
और उतना ही पापड़ बेलना पड़ता है अपने पति को भगाने के लिए, बहुत बहाना करना पड़ता है। जब तक मुझे दर्द नहीं होता है तब तक आप आते भी तो नहीं हो। आज कैसे कैसे बहाना करके अपने पति को भगाई हूँ पता है? मैं भी तो तुम्हारे फोन का इंतजार करते रहता हूँ कि तुम कब फोन करो और मैं तुम्हारा दर्द ठीक करने के लिए आ जाऊँ। इस घड़ी का इंतजार मुझे भी रहता है लेकिन तुम फोन ही नहीं करती जल्दी। क्या करूँ, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलता और ऊपर से पति 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 से भी छुट्टी नहीं मिलता। बहाना करके ये सब रंगरलिया बना दियो तुम। अभी मैं सोचूं कि मेरा डॉक्टर अच्छा है, मेरा डॉक्टर अच्छा है ये सब करने के लिए। अरे कलंक नहीं, तो बीवी के नाम पे कलंक है। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ? तुझे माफ करूं? अरे मैं ऑफिस में वहां मर मर के काम किया जा रहा हूं ये दिन देखने के लिए, खुशियां पूरी करते करते मेरी जान निकलती है और आज तुमने मुझे ये सिला दिया उसका। नहीं बच्चा, ऐसा कोई बात नहीं। तुम एक शब्द मत बोलो ठीक है, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ। गलती हो गई मुझसे और तुम्हें माफ करूं? जी तो करता है तो मैं यही गाड़ दूं। पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया तुमने। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, इनका दर्द घुटने से गले तक आ गया था। तुमको पता था ना? तो तुमने छोड़ निकले यहाँ से। कालर छोड़ो, ये ठीक बात नहीं है। निकलो यहाँ से। मुझे तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। हाँ हाँ, उनका बच्चा तुम जैसे डॉक्टरों को डिग्रियाँ लेके आते बनते डॉक्टर। फर्जी डिग्रियाँ देख लूंगा तुझे। अरे जा जा, वो देखे तेरे जैसे डॉक्टर पता नहीं कहाँ कहाँ से फर्जी डिग्रियाँ लेके आते हैं। और तू प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। ये सब देखने के लिए मैंने तुमसे प्यार किया था। गलती नहीं होगी, प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे ये सब नहीं सुनना है। कर दीजिए, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो, अब मैं करूंगा। मुझे डाइवोर्स चाहिए ठीक है, मैं पेपर रेडी कर रहा हूँ, मुझे कोर्ट में मिलना। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी? आप मेरा कौन है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।